अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोगों का। तो यार आज वीकेंड है और आज मैंने सोचा कि मैं घर के अंदर हूँ और आप लोगों के साथ आज की अपनी वीकेंड की रूटीन जो है ना वो शेयर करता हूँ। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पहले तो खाना मेरा बनाएंगे और उसके बाद कुछ आप लोगों को बताऊँगा कि मैं क्या कर रहा होता हूँ, मैं वीडियोज़ कैसे अपलोड करता हूँ, मैं पिक्चर्स वगैरह कैसे एडिट कर रहा हूँ, वो सारी रूटीन आज की बताऊँगा। क्योंकि आज का जो दिन है मैं घर के अंदर आराम से गुजारना चाह रहा हूँ। बाहर वेदर बहुत ही प्यारा है और बहुत ही ज़बरदस्त आज का वेदर है, तो स्टिल आई वॉज लाइक यार बाहर नहीं जाते, आज घर के अंदर एक होम व्लॉग जो है ना वो बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताता हूँ कि मैं कुकिंग क्या कर रहा होता हूँ। यार कुकिंग के लिए ना मैं ज़्यादा कुकिंग तो नहीं करता, तो मैंने कुछ दिन पहले ये ई मार्ट से यहाँ पे मिलते हैं मुर्ग मखनी, ये मुझे नज़र आई थी, मैंने कहा मैं घर जा के बनाता हूँ। लेकिन ऑनेस्टली इट वॉज रियली नॉट दैट गुड। सो मैंने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ दैट मैंने फिर ये एक और चीज़ बाई की है जो कि ये है फ्राइड राइस, श्रिंप फ्राइड राइस। ठीक है, तो ये आज हम लोग ये बनाते हैं। तो ऑयल वगैरह मैंने डाल लिया है फ्राइंग पैन के अंदर, ये किचन है मेरा, छोटा सा किचन है, और उसका हम लोग अभी जो है श्रिंप फ्राइड राइस वो डाल के बनाते हैं। क्योंकि यार मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं किया, मैं उठाऊँ जल्दी से नहा धो के शेव वगैरह किया क्योंकि आज व्लॉग बनाना था। तो उसके बाद आई वाज लाइक यार चलो अभी खाना बनाएंगे, वो उसकी भी वीडियो बनाएंगे। तो चलो अभी फ्राइड, सबसे पहले हम लोग ये जो श्रिंप फ्राइड राइस है ना इनको पकाते हैं। क्योंकि यार अभी हम लोग जो है ये राइस है इनको डालते हैं फ्राइंग पैन में और फिर पकाना होता है तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये जो है मेरे लिए फेवरेट फ्राइड राइस हैं, और जब मेरी फैमिली आई थी कोरिया में तो उन लोगों को मैंने भी मैंने ये खिलाया था, तो वो लोग भी बहुत उन लोगों ने पसंद किया था इसे। मैंने यार जो है ऑयल बहुत ज़्यादा डाल लिया क्योंकि उसके बाद मैंने एक्चुअली अंडा भी बनाना था, तो इट्स लाइक एग फ्राइड राइस। क्योंकि राइस जो है अभी काफ़ी ज़्यादा तैयार होने लग पड़े तकरीबन, इसे हम लोगों ने पकाना होता है 5 मिनट तक। और उसके बाद मैं जो है यूजुअली इसके अंदर स्पाइसेस भी डाल देता हूँ, लाइक नमक है थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, और ब्लैक पेपर जो काला नमक होता है ना वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं पाकिस्तानी, मेरे पास जो है ना ये ब्लैक नमक काला नमक मसाला जो है ना गर्म मसाला वो भी यहाँ पर रखा हुआ मैंने। खैर आप लोगों को आवाज़ आ रही है पकने की, और मुझे ये भी बताओ कि जो है कैसा लग रहा है यार दिखने में। इसके अंदर श्रिम्प्स भी हैं, साथ में वेजिटेबल्स होती हैं लाइक गाजर हो गई, कुछ जो होती है मकई हो गई वो हो गई, उसके अलावा धनिया तो नहीं है, खैर और कुछ वेजिटेबल्स इन्होंने डाली होती हैं यहाँ में। अच्छा ये हो गया है रेडी, फ्राइड राइस रेडी हो गए। अभी हम लोगों ने क्या करना है, अभी हम लोगों ने अंडे जो है 2 अंडे फ्राई करने हैं। तो यार अंडे के ऊपर भी मैं थोड़ा सा नमक जो है लाजमी डाल देता होता हूँ, तो थोड़ा सा भी नमक हम लोग ऐड करते हैं इसके अंदर। आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि अंडे कैसे लग रहे हैं, तो मुझे बताइएगा कि अंडे ऐसे हैं और बाद में हम लोग इसके ऊपर अंडे रख के खाएंगे। तो यार मुझे जो है सनी साइड अप जो है अंडे हाफ फ्राई वो अच्छे लग रहे होते हैं, तो आप लोगों को मैं दिखाता भी हूँ कि अंडे मैंने कैसे बनाए हैं। आई होप कि आप लोगों को सही लगेंगे, और अंडे से याद आ जाता है अंडे वाला बर्गर। सो वी आर ऑलमोस्ट डन, लेट मी शो यू कि फाइनल कैसा लग रहा है। तो खैर ये है जी हम लोगों के एग फ्राइड राइस, लाजमी बताइएगा मुझे कि मैंने अच्छा बनाया कि नहीं। अच्छा आप लोगों को पता है कि वीकेंड हो खाना हो और साथ में चाय ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। पाकिस्तानियों के लिए हम लोगों के लिए तो ये मशहूर है कि भाई हमारी जो रगों में ना खून नहीं दौड़ रहा चाय दौड़ी होती है, कि हम लोग बल्कि मैं खुद चाय बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। खैर पहले अभी हम लोग चाय भी बनाते हैं, चाय बनाएंगे और साथ में खाना खाएंगे और साथ में वीडियो ज़रा भी देखेंगे। तो चलो पहले चाय भी बनाते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरी जो कड़क वाली चाय होती है वो कैसी होती है। तो यार मैं यूजली चाय में थोड़ा सा पहले पानी जो है ना वो ऐड कर देता होता हूँ, और उसके बाद पत्ती डाल के पहले थोड़ा सा पकाता हूँ उसे। शायद आप लोगों का तरीका थोड़ा डिफरेंट, तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों का तरीका जो। खैर ये फ़ोन अभी गिरा है और शुक्र है बचत हो गई हम लोगों की। तो मैं कहता कि मैं चाय के अंदर पहले पानी डालता होता हूँ, तो आप लोग बताइएगा कि आप जो है चाय बनाते वक्त पानी थोड़ा सा ऐड करते हुए नहीं, या जब कड़क चाय बनानी होती है तो उसके अंदर आप लोग पानी ऐड करते हुए नहीं। तो मैं पानी डाल दिया, उसके बाद ना तकरीबन 2 चम्मच जो है मैं पत्ते के डाल देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा है एक बंदे के लिए। और उसके अलावा मज़े की चीज़ मैं चाय के अंदर ये जो है ना इसे कहते हैं इलायची, इलायची जो है ये भी लाजमी डालता हूँ। तो यार अभी जो है हम लोग दूध ऐड करने लगे हैं इसके अंदर, चाय के अंदर। आप लोग दुआ कीजिएगा कि फाइनल जो प्रोडक्ट है ना, मैंने डब्बा गलत जगह से खोल दिया। ओके तो खैर दुआ कीजिएगा कि चाय जो है अच्छी बने।
अभी चाय हम लोगों की तैयार हो रही है और मैं तकरीबन इसे 4-5 मिनट तक इस तरह पकने देता होता हूँ। सो गाइस, चाय हम लोगों की ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, तो बताएं मुझे कि कैसी लग रही है। अभी ये कप में डाल के देखते हैं इसे। खैर गाइस, चाय भी रेडी है और हमारा जो है फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस, वो भी रेडी है। अभी हम लोग खाते हैं फाइनली। तो यार, मैं अभी जो खाने के साथ एक लेक्चर देखूंगा जो है इस बारे में कि आप किस तरह अच्छा ट्रैवल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये एक फ्री लेक्चर है और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें, ये हमारी जो मैडम है ली जू योंग जो हैं, ये बताएंगी हमें। तो इसके अंदर जो है ना, थोड़ा साथ से खाता भी हूँ, साथ से लेक्चर वगैरह भी देखता हूँ, और उसमें काफ़ी चीज़ें बता रहे हैं कि लाइक अपना प्लानिंग आपने किस तरह करनी है। ट्रैवल करने से पहले आपने पहले प्लानिंग करनी है, फिर ट्रैवल करते वक्त किस टाइप की तस्वीरें लेती हैं, और उसके बाद किस तरह आपने जो है एडिटिंग वगैरह करनी होती है। तो ये पूरी वीडियो हम लोग देखते हैं साथ। खैर, आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग कौन सी चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हो सोशल मीडिया के अंदर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब या टिकटॉक वगैरह, तो वो भी लाजमी बताओ। खैर, अभी ये जो हमारी टीचर हैं ई जू योंग, ये बता रही हैं कि इन्होंने सुवोन जाना था। सुवोन के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर ड्रामा है, ड्रामे की फिल्मिंग लोकेशन है, ड्रामा का नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉयर ऊ योंगू। तो इन्होंने वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाके इन्होंने पिक्चर लेनी थी, तो इनके माइंड में एक आइडिया है कि यार सिर्फ जब मैंने पिक्चर्स अपलोड करनी है तो इंस्टेड ऑफ के सिर्फ एक पर्टिकुलर कैफे की बताऊँ, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो भी ज़्यादा अब इधर इधर के रेस्टोरेंट्स थे, उन जो जहाँ जहाँ पे फिल्मिंग लोकेशन शूट हुई हैं कोई ड्रामे की या कोरियन फिल्म्स की सुवान के अंदर, उन्होंने उन सब जगह के पिक्चर्स जाके ली और एक कार्ड न्यूज़ के थ्रू, एक कैरोसेल के थ्रू वहाँ पे अपलोड किए इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ये बता रही हैं कि किसी भी जगह पर जाने से पहले आप लोगों ने वहाँ पर प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं ये चीज़ मैं ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता, मैं जस्ट अपलोड कर देता हूँ, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं होता है कि जहाँ पर भी जाना हो आपने उसके लिए आप एटलीस्ट थोड़ी बहुत प्लानिंग करके जाओ। चावल बहुत मज़ेदार है, और मज़े की बात है मैंने चाय जो है चाय भी बहुत मज़े की है। वैसे आप लोग अगर कोरिया आते हो तो कौन सी जगह पे आप लोग जाना पसंद करते हो, ये मुझे लास्ट में बताइएगा। मैं काफ़ी ज़्यादा पूछता होता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग BTS की फिल्मिंग लोकेशन, MV की फिल्मिंग लोकेशन या और कोरियन ड्रामास की फिल्मिंग लोकेशन में जाना पसंद करते हैं। तो खैर, मुझे बताओ आप लोग कहाँ पर जाना पसंद करोगे। ये भी बता रहे हैं कि अगर आप बाहर जाते हो ना तो ज़्यादा अच्छा है कि आप सनलाइट जहाँ पे अच्छी हो वहाँ पे जाके रिकॉर्ड करें, जो कि डेफिनेटली इट मेक सेंस। और अभी ये बता रहे हैं कि अगर आप लोग आईफोन या एंड्रॉयड जो भी फ़ोन यूज़ करते हो उसके अंदर कैसे आप लोग एडिटिंग कर सकते हो। तो मैं यूजली ऐप यूज़ कर रहा होता हूँ, लेकिन आई गेस ये बहुत अच्छा फीचर है, तो मैं अभी आप लोगों को अपनी कोई पिक्चर्स एडिट करके दिखाता हूँ और हम लोग अपलोड भी करते हैं। तो ये इसके अंदर आप बता रहे हैं कि आप यूजली जो ब्राइटनेस है उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया करें, एक्सपोजर को ज़्यादा किया करें, ये चीज़ें लाजमी आप लोगों ने देखना होता है। तो यार, इस तरह आप लोग अपने फ़ोन की जो भी पिक्चर्स हैं उसके अंदर आप लोग इस तरह सेटिंग कर सकते हो अपनी फ़ोटोज़ की एडिटिंग करते हो। तो मुझे लाजमी था कि आप लोग ये भी करते होते हो कि नहीं, क्योंकि यूजुअली मैं ऐप्स के थ्रू कर रहा होता हूँ, लेकिन अभी आज मैंने पहली दफ़ा ये चीज़ ट्राई करके देखनी है। सो गाइस, वीडियो हम लोगों ने पूरी देखी है, अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि मैं अपनी कुछ फोटोज़ एडिट करके आपको दिखाता हूँ, एंड वी विल यूज़ दिस होल नॉलेज वट एवर वी हैव लर्न टुडे इन रियल लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो अभी आपको फोटोज एडिट करके दिखाता हूँ, देन वी विल अपलोड ऑन इंस्टाग्राम, लेट्स डू दैट। सो गाइस, कुछ दिन पहले मैं देगू गया हुआ था, तो देगू के अंदर हम लोग जो है मैंने ये वाली कुछ पिक्चर्स वगैरह ली थी। तो अभी इसको एडिट करने के लिए लेट्स से क्लाउडी वेदर है, तो हम लोग पहले एडिट में जाके जैसे कि वो मैडम कह रही थी कि आप लोगों ने ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करना होता है, तो ये है ऑटो, ये है एक्सपोजर, एक्सपोजर को कह रही थी एक्सपोजर को इंक्रीज कर दें, उसका ब्रिलियंस को तो नहीं बताया, हाईलाइट्स, हाईलाइट्स को कह रही थी थोड़ा सा कम कर दिया करें, हाईलाइट्स को कम करके शेडो को भी मैं कम करके उसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, और ब्लैक पॉइंट को ज़्यादा कर देता हूँ, सेचुरेशन को भी मैं यूजली ज़्यादा रखता होता हूँ, वाइब्रेंस को भी, और क्योंकि अभी वेदर समर वाला ही है थोड़ा सा इसका एक ज़्यादा कर देते हैं। तो खैर, हम दोबारा ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस को भी ज़्यादा कर देते हैं। तो मुझे बताइएगा कि यार पहले वाली फ़ोटो और अभी फ़ोटो में कोई फ़र्क है या नहीं, या कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी लगी आप लोगों को। तो अभी आप लोग देखोगे तो ये ओरिजिनल है और ये एडिटेड है, तो आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, अभी देखिएगा। तो मुझे जो एडिटेड वर्जन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो काफ़ी क्लैरिटी सी आ गई है इसमें, इसके अंदर। मुझे बताएं कि कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी है, ये है जी ओल्ड और ये है न्यू। तो
अभी रियल लाइफ में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। खैर अभी हम लोग इसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे एंड विल मेक श्योर कि यार जो कैप्शंस वगैरह होते हैं ना वो भी कैप्शंस का भी बता देंगे कि कैप्शंस के अंदर भी आपने लाजमी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, जो लिंक्स वगैरह होते हैं वो देने हैं। तो खैर दिस इज़ माई वे ऑफ अपलोडिंग यू नो कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर भी। खैर गाइस मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करें, शेयर करें और आई होप कि आप लोग भी कोरिया आओ और कोरिया आके इस तरह का जो है एक डेली व्लॉग बनाओ। खैर दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अम्मी अब्बू का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।